दोस्तों फिलहाल दो डिफरेंट डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के डिपार्टमेंट में एकदम सिमिलर ग्रुप सी क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई हैं। एक तरीके से दोनों गवर्नमेंट जो वैकेंसीज के बीच में जबरदस्त क्लैश चल रहा है, जिसकी वजह से मैक्सिमम एस्पिरेंट बड़े कंफ्यूजन में है कि भैया हम फॉर्म अप्लाई करें तो करें किस वैकेंसी के लिए, हमारे लिए सबसे बेस्ट वैकेंसी कौन सी रहेगी। तो आज के इस वीडियो में दोनों गवर्नमेंट जो वैकेंसी को एकदम डिटेल से कंपेयर करने वाले हैं। यहां पर एक एक पॉइंट कंपेयर करके आपको बताऊंगा कि भाई आपको किस गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, ज्यादा बेहतर कौन सी जॉब आपके लिए रहेगी, कौन सी जॉब ऐसी है जिसमें सिलेक्शन के बहुत बेहतरीन चांसेस हैं। तो एक एक पॉइंट को डिटेल के साथ समझेंगे, आपके सभी कंफ्यूजन इस वीडियो के थ्रू क्लियर करने वाला हूं। और दोस्तों इस बार ये जो संयोग बना है ना, ये कई सालों में एक बार देखने को मिलता है, बहुत ही रेयर कोइंसिडेंस है, तो इस चीज का आपको फायदा उठाना है। ये एक जबरदस्त क्लैश है, गारंटीडली आपको जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा अगर आप इन चीजों को अच्छे से समझ जाते हो, तो पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। हालांकि मैंने दोनों रिक्रूटमेंट के ऊपर आपको सेपरेट सेपरेट डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, लेकिन आज की इस वीडियो का पर्पस कुछ अलग है। तो दोस्तों इनमें से हमारी एक गवर्नमेंट जो वैकेंसी निकल के आ रही है एनवीएस जीएस से रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। एनवीएस मतलब नवोदय विद्यालय समिति, जिसके अंदर जेएसए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आई हुई है। दूसरी वैकेंसी निकल के आती है एसएससी जेएससी रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। एसएससी का आपको पता ही है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू जेएससी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आई हुई है। खास बात यह है कि दोनों वैकेंसीज के लिए फिलहाल ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। फॉर्म आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जाएगा, यह सारी जानकारी मैं आपको आगे दे रहा हूं। उससे पहले यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि आपके लिए इन दोनों में से सबसे बेस्ट गवर्नमेंट जॉब कौन सी रहेगी। देखिए दोस्तों, दोनों ही ग्रुप सी की पोस्ट है, दोनों ही क्लरिकल पोस्ट है, दोनों ही पोस्ट पर आपको लेवल 2 की सैलरी मिलेगी, दोनों ही पोस्ट का बेसिक पे भी बिल्कुल सिमिलर है, दोनों ही पोस्ट का ग्रेड पे भी 1900 रुपए ही है। लेकिन दोस्तों सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहैंड सैलरी में काफी डिफरेंस है दोनों ही पोस्ट की। इनमें से किसी एक पोस्ट के ऊपर आपको सैलरी ज्यादा देखने को मिलने वाली है इन कंपैरिजन ऑफ अदर। अब ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि भाई किस डिपार्टमेंट के अंदर आपको सैलरी ज्यादा मिलेगी इसी सिमिलर पोस्ट के ऊपर, और कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है, इनिशियल इनहैंड सैलरी आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों पोस्ट इस कदर सिमिलर है कि इनका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी एग्जैक्ट सेम है। जैसे कि क्वालिफिकेशन 12 पास मांगी गई है एनवीएस जेएससी की पोस्ट के ऊपर, ऐसे ही एसएससी जेएससी की पोस्ट के ऊपर भी 12 पास वाले एलिजिबल है। टाइपिंग टेस्ट आपका 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी गई है इंग्लिश में, हिंदी वालों के लिए 30 वर्ड पर मिनट मांगी गई है, या तो आप हिंदी की टाइपिंग कर लो या फिर इंग्लिश की। ऐसे ही एसएससी में है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग या फिर हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट। देखिए अगर आपको फिलहाल टाइपिंग नहीं आती फिर भी आप एलिजिबल हो, क्योंकि टाइपिंग का कोई भी सर्टिफिकेट कोई भी डिप्लोमा इसमें नहीं मांगा गया है। पहले आपका एग्जाम होता है, उसके बाद स्किल टेस्ट होता है, तब तक आप इजीली टाइपिंग की इतनी स्पीड लेकर आ सकते हो। तो मेरे हिसाब से टाइपिंग कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। और बात रही एज लिमिट की, 18 से 27 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट यहां पर है एनवीएस जेएससी की पोस्ट के ऊपर, एसएससी जेएससी की पोस्ट के ऊपर भी 18 से 27 साल एज लिमिट रखी गई है। बस डिफरेंस इतना है यहां पर एज की कट ऑफ डेट 30 अप्रैल 2024 रखी गई है, और एसएससी जेएससी के लिए एज की कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2024 है, यानी कि जिन लोगों की अभी तक 18 भी नहीं हुई है 1 अगस्त तक 18 हो जाएगी, यहां पर वो कैंडिडेट्स भी एलिजिबल है। बाकी यार दोनों ही पोस्ट बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, क्योंकि यार पोस्ट तो सिमिलर है, बस डिपार्टमेंट हमारे डिफरेंट है। हालांकि दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट है। देखिए दोस्तों एक डिफरेंस ये है, एनवीएस जेएससी के थ्रू आप केवल एक सिंगल डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर पाओगे, लेकिन अगर आप एसएससी जेएससी की पोस्ट को क्रैक कर लेते हो, इसके थ्रू आप सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के वेरियस डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्रीज को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको 40 से ज्यादा बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज या फिर डिपार्टमेंट मिल जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के, चाहे आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, आईबी, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का मौका आपको मिलता है। लेकिन यहां पर क्या है, एनवीएस केवल एक सिंगल डिपार्टमेंट है, इसी डिपार्टमेंट के अंदर यह वैकेंसी निकली है, इसके थ्रू आपको केवल एक ही डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का मौका मिलता है, ठीक है। लेकिन यहां पर भी फर्क इतना है, इसमें भी वैकेंसी हमारी अलग अलग तरीके से निकली हुई है, इसके थ्रू आप
एनवीएस का हेडक्वार्टर ज्वाइन कर सकते हो, साथ ही जो 8 आरओ रीजनल ऑफिसेज है उनको ज्वाइन कर सकते हो, साथ ही 7 एनालाइज यानी कि नवोदय नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट है उनको ज्वाइन कर सकते हो, साथ ही ऑल ओवर इंडिया के अंदर 650 जो जेएनवीज जवाहर नवोदय विद्यालय है उनको आप ज्वाइन कर सकते हो। जहां पर भी आपकी पोस्टिंग होगी जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर, इनको हम सब डिपार्टमेंट बोलते हैं, वहां पर आपकी बेनिफिट सैलरी डिफरेंस है। सबसे ज्यादा सैलरी हेडक्वार्टर के अंदर मिलती है, उसके बाद एनालाइज के अंदर मिलती है, उसके बाद आरओज के अंदर मिलती है, और जो कम सैलरी मिलती है ना, थोड़ी सी कम, ज्यादा डिफरेंस नहीं, वो जेएनवीज के अंदर मिलती है। कैसे ज्वाइन कर सकते हो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। बाकी यहां तो आपकी कट ऑफ बनती है, प्रेफरेंस आपको देनी होती है कि भाई मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस सीबीआई है, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ बनेगी। सीबीआई डिपार्टमेंट की कट ऑफ अलग, आईबी की अलग, उसके अकॉर्डिंग यहां पर आपको डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्रीज दी जाती है। ये एक छोटा सा डिफरेंस है। जॉब लोकेशन के बारे में बात करें, इसके थ्रू भी आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर जॉब लोकेशन मिल सकती है, और यहां पर भी जॉब लोकेशन आपको ऑल ओवर इंडिया में मिलते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि एनवीएस के थ्रू सिलेक्शन लेने में काफी ज्यादा चांसेस है कि आपको अपने होम स्टेट में, काफी क्या 90% चांसेस है कि आपको अपने होम स्टेट में आसपास के शहर में जॉब लोकेशन मिल जाती है। यहां पर भी अपने होम स्टेट में जॉब लोकेशन मिलने के काफी चांसेस होते हैं, यहां पर 40% चांसेस होते हैं जॉब लोकेशन होम स्टेट में मिलने के, लेकिन यहां पर 90% चांसेस है। अगर आप यूपी से हो तो बहुत बेहतरीन चांसेस है कि यूपी स्टेट के अंदर ही आपको जॉब लोकेशन मिल जाएगी, ठीक है। इनिशियल इनहैंड सैलरी मैंने बताया था ना कि डिफरेंस है, एनवीएस जीएससी की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहैंड सैलरी आपकी कम से कम 39,000 रहेगी, और ज्यादा से ज्यादा अगर हेडक्वार्टर्स या फिर एनालाइज आरओ के अंदर आपकी सिलेक्शन होता है रीजनल ऑफिसेज के अंदर, तो आपकी 42,000 तक सैलरी चली जाएगी, क्योंकि अब आपका डियरनेस अलाउंस 50% होने जा रहा है आपकी बेसिक सैलरी का। वहीं पर एसएससी सीएचएसएल के थ्रू सिलेक्शन होने के बाद आपकी मिनिमम सैलरी 37 के आसपास रहती है, बाकी कुछ सिटीज में आपकी सैलरी 38,000 से 39,000 तक भी पहुंच जाती है, क्लियर है। तो कुल मिला के सैलरी आपको एनवीएस जीएससी की पोस्ट के ऊपर ज्यादा मिलती है, ठीक है, क्योंकि यहां पर एजुकेशन का मामला है। कहीं पर भी देख लीजिए जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं ना, उनकी सैलरी भी बहुत ज्यादा होती है, बहुत बेहतरीन होती है। ऐसे केवीएस ईएमआरएस के अंदर भी बहुत बेहतरीन सैलरी आपको मिलती है। ये तो मैंने आपको कम से कम बताई, सैलरी आपकी इससे थोड़ी ज्यादा भी मिल जाती है। यहां तक देखा गया है कि इनिशियल इनहैंड सैलरी 44,000 तक भी मिली है कुछ डिपार्टमेंट के अंदर, तो सैलरी बेहतर इसमें, हालांकि बहुत डिफरेंस नहीं है, मैक्सिमम 1,500-2,000-2,500 रुपए का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी सैलरी यहां पर ज्यादा है। प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी किसमें ज्यादा है, एनवीएस जेएसए की पोस्ट के ऊपर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 साल आपको काम करना पड़ेगा, उसके बाद आपको हायर लेवल की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन मिल जाता है। यूडीसी अपर डिविजन क्लर्क या फिर एसएसए सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिल जाता है। जिन लोगों ने 2017-18 में सिलेक्शन लिया था ना एनवीएस एलडीसी की पोस्ट के ऊपर या फिर जेएसए की पोस्ट के ऊपर, उनका प्रमोशन भी हो चुका है। तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा 5 महीने काम करना है, आपका प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन एसएससी सीएचएसएल में कम से कम 8 साल तक आपको एज अ जीएसए काम करना पड़ेगा, उसके बाद आपको प्रमोशन मिलेंगे, उसके बाद आपको एसएससी की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिलता है। तो यहां तो कम से कम 8 साल काम करना है, और यहां पर ज्यादा से ज्यादा 5 साल आपको एज अ जीएसए की के ऊपर काम करना है। तो फास्ट ग्रोथ अगर हम देखें वो एनएसए जेएसए एनवीएस के अंदर है, क्योंकि यहां पर यार अपॉर्चुनिटी बहुत ही लिमिटेड निकलती है। एसएससी का क्या है, इन सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर हर साल वैकेंसीज निकालता है, और एनवीएस की 2-3 साल में आपको 1-2 बार बहुत ही लिमिटेड कम सी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो जितने भी लोग हैं उनका पूरा ध्यान रखा जाता है, बहुत ही सिलेक्टेड तरीके से उनको प्रमोट किया जाता है, तो ग्रोथ के बेहतरीन चांसेस यहां पर है। दूसरा कंपटीशन, सबसे बड़ा पॉइंट है कंपटीशन, कि भाई किस रिक्रूटमेंट में कंपटीशन ज्यादा रहता है। देखिए एनवीएस के अंदर जो टोटल वैकेंसी निकली है वो 381 निकली है, एसएससी सीएचएसएल की जो टोटल वैकेंसी निकली है वो 3,712 इस बार निकली है, क्लियर है। देखिए दोस्तों टोटल जो फॉर्म अप्लाई होंगे इस बार एनवीएस के, ऑन एन एवरेज 1,50,000 के आसपास, 1.5 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई होंगे, प्रीवियस ईयर के डेटा को एनालाइज करके मैं बता रहा हूं। और अगर हम एसएससी जीएससी का देखें तो लगभग इस बार वैकेंसी के अकॉर्डिंग 36 लाख के आसपास टोटल फॉर्म अप्लाई होंगे, क्लियर है। और अगर हम पर सीट कंपटीशन निकालें तो एनवीएस जीएससी के अंदर एक सीट के ऊपर 393 कैंडिडेट्स फाइट कर रहे होंगे, एसएससी सीएचएसएल में एक सीट के ऊपर 370 कैंडिडेट्स फाइट कर रहे होंगे। कॉम्पिटिशन का लेवल अब आप खुद यहां पर देख सकते हैं, देखने में वैकेंसी ज्यादा लगती है, ठीक है, इससे कि यहां पर 381 है, वहां पर 3,712 है, लेकिन ये देखिए ये क्या है, फॉर्म कितने अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, ये देखिए आप, ये एक अननोन रैंडम डिपार्टमेंट है,
और इस बार तो यहां पर कंपटीशन कम रहने के बहुत बेहतरीन चांसेस है, काफी कम रहेगा, क्योंकि इस बार डायरेक्टली क्लैश होने जा रहा है एनवीएस का सीएचएसएल के साथ। यह संयोग बहुत ही मुश्किल से बना है, बहुत ही रेयरली बनता है ऐसा कॉन्सिडेंस। तो भाई एनवीएस जीएसए दोनों सिमिलर पोस्ट है, दोनों एक टाइम पर फॉर्म निकाल रही है, एक टाइम पर सिलेक्शन प्रोसीजर चल रहा है, तो जाहिर सी बात है ज्यादातर लोग सीएचएसएल जीएसए की तरफ भागेंगे, क्योंकि यहां पर फॉर्म फीस भी कम है, हर साल वैकेंसीज आती है, वैकेंसीज देखने में ज्यादा है, और ज्यादातर लोग इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, इसके बारे में नहीं जानते। तो इस बार यहां पर कॉम्पिटिशन थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा, बिकॉज एक बड़ा क्लैश होने जा रहा है। और एक बड़ा पॉइंट ये भी है कि यहां पर मल्टीपल पोस्ट वर्सेस सिंगल पोस्ट, एसएससी के थ्रू केवल सीएचएसएल जीएससी की पोस्ट निकली है, और एनवीएस की जीएससी के साथ और भी 10-12 पोस्ट निकली है, चाहे आपकी एमटीएस हो, स्टेनोग्राफर हो, या फिर आपकी अदर पोस्ट हो। और एक और खास बात है, यहां पर आपकी ये दो वैकेंसी निकली है, एक एनवीएस जीएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर निकली है, और एक एनवीएस हेडक्वार्टर्स आरओ और एनएलआई के अंदर अलग वैकेंसी निकली है। इसके साथ लिए आपको अलग फॉर्म अप्लाई करना है, इसके लिए आपको अलग फॉर्म अप्लाई करना है, तो ये भी कंपटीशन को डिवाइड करेगा। तो अगर देखा जाए तो कंपटीशन का कई गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा एसएससी में होने वाला है इन कंपैरिजन ऑफ एनवीएस, तो सिलेक्शन के चांसेस बेहतरीन यहां पर है मेरे हिसाब से। तो और पॉइंट्स हैं, एग्जाम पैटर्न में डिफरेंस को देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, उससे पहले देखिए एनवीएस जीएससी की पोस्ट जो है ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, एग्जाम के नाम पर केवल एक ही एग्जाम होगा, लेकिन एसएससी सीएचएसएल में आपके दो एग्जाम होते हैं, प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, टियर फर्स्ट एग्जाम होता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर होता है, उसके बाद मेंस एग्जाम होता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम देख लीजिए, ये एनवीएस जीएसए का एग्जाम पैटर्न है, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग 20 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर 30 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश से 15-15 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसके बाद 30 क्वेश्चन नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज 30 क्वेश्चन, 130 नंबर का पेपर होता है, 130 क्वेश्चन आते हैं, 2.5 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है, 1/4 एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। वहीं पर एसएससी सीएचएसएल का टियर फर्स्ट एग्जाम में आपको हिला के रख देगा, इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस से 25, क्वांट से 25 और जनरल अवेयरनेस ऐसे 2500 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के अंदर, 60 मिनट दी जाते हैं केवल इन 100 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, और 0.50 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहती है, तो क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन भी काफी बड़ा चैलेंज बनके आपके लिए उभरेगी। एनवीएस में 2.5 घंटे में आपको केवल 130 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और यहां पर आपको 100 ही क्वेश्चन सोल्व करने के लिए केवल 60 मिनट दी जा रही है, ठीक है। और यह तो केवल टियर फर्स्ट एग्जाम है, असली चैलेंज तो टियर सेकेंड एग्जाम है, जहां पर क्वेश्चन पेपर आपको 360 नंबर का देखने को मिलता है, ठीक है। वहां पर 30 क्वेश्चन मैथ से, 30 क्वेश्चन रीजनिंग से, 40 क्वेश्चन इंग्लिश से, 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से, वहीं पर 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से, तो वो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, तो वो अपने आप में काफी बड़ा चैलेंज है। बाकी यार मुश्किल कुछ भी नहीं, आप कर सकते हो, बस मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि एसएससी सीएचएसएल तो हर साल निकलती है, लेकिन इस बार एक अलग सा संयोग बना है कि दो एकदम सिमिलर पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज एक साथ निकलेगी और दोनों का जबरदस्त क्लैश चल रहा है, तो बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में, इसका फायदा उठाइए। अब देखिए एक और चीज है, फॉर्म फीस। मैंने आपको बताया था कॉम्पिटिशन कम रहने का एक कारण फॉर्म फीस भी है। एनवीएस जीएसए की फॉर्म फीस जो है वो ओबीसी अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1000 रुपए है, एसटीएससी पीएच वालों के लिए 500 रुपए है। वहीं पर एसएससी सीएचएसएल जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए, एसटीएससी पीएच फीमेल्स के लिए तो कोई फॉर्म फीस है ही नहीं। ये सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से यहां पर कॉम्पिटिशन काफी कम रहता है और यहां पर काफी हाई चला जाता है। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें, यहां पर 7 से 8 महीनों के अंदर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। एसएससी सीएचएसएल में अब आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 महीने में सिलेक्शन मिल जाता है, हो सकता है कि इस बार तो आपको 5 महीने में सिलेक्शन मिल जाए, तो सिलेक्शन यहां पर थोड़ा सा फास्ट है, लेकिन इतना भी फास्ट नहीं है, इससे 1.5-2 महीने का डिफरेंस है, इसका भी सिलेक्शन प्रोसीजर की स्पीड ठीक ठाक चलती है। कट ऑफ के बारे में बात करें कि भैया कट ऑफ किसकी हाई जाती है, देखिए दोस्तों ये एनवीएस जीएससी की प्रीवियस ईयर यानी कि 2022 की कट ऑफ है, और ये एसएससी सीएचएसएल की 2023 की यानी कि पिछले साल की कट ऑफ है, टियर फर्स्ट एग्जाम की। 130 नंबर में से जनरल वालों की 79.5 मार्क्स कट ऑफ गई थी, ओबीसी वालों की 75, ईडब्ल्यूएस वालों की 75.25, एससी 71, एसटी 68। वहीं पर यहां पर 200 नंबर में से जाती 153.9, ओबीसी की 152, ईडब्ल्यूएस की 151, एससी की 136, एसटी की 124। लेकिन यहां पर हम परसेंटेज देखेंगे कि भाई कितनी परसेंट आपकी कट ऑफ रही थी, ठीक है, कितने परसेंट मार्क्स लाने पड़े पिछले साल क्वालिफाई करने के लिए। देखिए दोस्तों 130 नंबर का पेपर था ना, तो 79.5 मार्क्स आए, कट ऑफ गई थी जनरल वालों की, तो भाई अगर हम कट ऑफ परसेंटेज देखें तो ये 61% कट ऑफ गई थी, ऐसा हम कह सकते हैं, कैलकुलेट कर लीजिएगा। वहीं पर 53.9 जनरल वालों की कट ऑफ थी, 200 नंबर का आपका पेपर था टियर फर्स्ट एग्जाम,
तो 62% आपकी कट ऑफ गई थी, यानी कि कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। ठीक है, यहां पर देखने में लग रही है कि 79.5 कट ऑफ है और वहां पर देखने में लग रही है 153.9, लेकिन ये 200 नंबर का पेपर था और ये आपका 130 नंबर का पेपर था। तो परसेंटेज के ऊपर फोकस करिए, परसेंटेज आपका वही आ रहा है। ठीक है, मेहनत आपको लगभग उतनी कर रही है, लेकिन हाँ एग्जाम के बारे में अगर हम बात करें, एग्जाम का जो लेवल है वो एनवीएस जीएसए का बहुत ईजी रहता है इन कंपेरिजन ऑफ एसएससी सीएचएसएल। एसएससी सीएचएसएल का तो बहुत हाई लेवल रहता है एग्जाम का, वो तो मिनी सीजीएल है, ये तो कुछ भी नहीं है ऐसा हम कह सकते हैं सीएचएसएल के कंपेरिजन में। और केवल एक ही एग्जाम से आपको टकराना होता है, क्योंकि यहां पर एग्जाम लेता है आपका एनटीए, जो कि काफी बढ़िया बैलेंस्ड एग्जाम कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो यहां पर आपको एग्जाम से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में वहां पर 25 क्वेश्चन है और मेंस में फिर 40 क्वेश्चन है, यहां पर केवल 15 क्वेश्चन है और साथ में आपका हिंदी भी जुड़ गया है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से 30 क्वेश्चन है। तो एग्जाम आपका एनवीएस का ही इजी आता है इन कंपेरिजन ऑफ एसएससी सीएचएसएल, बाकी कट ऑफ आपकी लगभग सिमिलर रहती है। समझ गए? अब फाइनली बात कर लेते हैं फॉर्म्स वगैरह के बारे में। एनवीएस जैसे कि फॉर्म फिलहाल निकले हुए हैं, 22-23 माह से शायद स्टार्ट हुए थे, फॉर्म की लास्ट डेट 30 अप्रैल है। ठीक है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, 30 अप्रैल लास्ट डेट है। एग्जाम आपका जून जुलाई 2024 के अंदर कंडक्ट करा लिया जाएगा, टेंटेटिव डेट है। एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी फिलहाल निकली हुई है, फॉर्म की लास्ट डेट यहां पर 7 मई रखी गई है और इसका एग्जाम एग्जैक्टली ऑफिशियली 1 जुलाई से 12 जुलाई तक वेरियस शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाता है। एनवीएस का एक ही दिन में निपट जाता है, सीएचएसएल का आपका कई दिन तक एग्जाम चलने वाला है। तो ये वेरिएशन है, ये डिफरेंस है दोनों ही पोस्ट में। सबसे बड़ी चीज होती है कंपटीशन किस जॉब में सबसे ज्यादा है, तो भाई कंपटीशन जो है ना वो काफी ज्यादा है एसएससी सीएचएसएल में। भले ही वैकेंसी 3712 हो, लेकिन नेक्स्ट लेवल का कंपटीशन है, 3 गुना कंपटीशन आपको देखने को मिल रहा है एसएससी सीएचएसएल में इन कंपेरिजन ऑफ एनवीएस। ये मैंने आपका पूरा कंपटीशन क्लियर कर दिया है कि पर सीट कंपटीशन एनवीएस में 393 है और पर सीट कंपटीशन एसएससी सीएचएसएल में 970 है। बाकी दोनों ही वैकेंसीज के लिए काफी सारी वीडियोज आपको प्रोवाइड कर रखी है, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। क्लियर है? तो भाई मेरे हिसाब से डाउट क्लियर हो गए होंगे कि भाई किस जॉब के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। बाकी पोस्ट हमारी दोनों सिमिलर है। अगर आपके अंदर जुनून है कि यार मुझे तो कोई मिनिस्ट्री ज्वाइन करनी है सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की, तो आप जरूर एसएससी सीएचएसएल के लिए जाइए, बाकी एनवीएस बेस्ट है। ये नहीं कि डिपार्टमेंट कोई हल्का है या फिर छोटा डिपार्टमेंट है, एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, बहुत बड़े लेवल का डिपार्टमेंट है। बाकी जॉब लोकेशन यहां पर आपकी अदर स्टेट में जाने के ज्यादा चांसेस है, यहां पर होम स्टेट में मिलने के काफी बेहतरीन चांसेस है जॉब लोकेशन के। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं, यहां पर एग्जाम को आप इजीली क्रैक कर लोगे, यहां पर थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये वैकेंसी 2-3 साल में एक बार निकलती है, ये वैकेंसी हर साल जरूर निकलती है। ठीक है, तो भाई ये सारी चीजें हैं, एक बार आप चेकआउट करिए। मेरे हिसाब से तो आपको एनवीएस के लिए भी ट्राई करना चाहिए, सीएचएसएल तो अपना है ही। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि एनवीएस के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया सीएचएसएल हम नहीं करेंगे, 100 रुपये आपको फॉर्म फीस भरनी है। ठीक है, तो एनवीएस को अवॉइड मत करिएगा अगर आपके अंदर से आ रहा है कि यार मैं कर लूंगा इसको। ठीक है, चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े, हाँ फॉर्म फीस थोड़ी सी 1000 रुपये है जनरल ओबीसी वालों के लिए, लेकिन अगर अंदर से आ रहा है कि यार कर लूंगा, मुझे एक अच्छी हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब की जरूरत है, तो यार कुछ भी जुगाड़ लगाइए, फॉर्म अप्लाई करिए, फॉर्म फीस भरिए और फिर खुद को झोंक दीजिए, देखते हैं कैसे आपका सिलेक्शन नहीं होता। तो मेरे हिसाब से काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ऐसी अपॉर्चुनिटी हाथ से मत जाने दीजिएगा। और इस बार एसएससी सीएचएसएल के क्लैश में ये वैकेंसी निकली है, तो बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे, कॉम्पिटिशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से नीचे गिरेगा, और वो तो दिख रहा है क्योंकि हम तो इसके रिगार्डिंग वीडियोज बनाते हैं, लोग कमेंट्स करते हैं, बात करते हैं, पता चल जाता है कि लोग कितने इंटरेस्टेड है किस टाइप की वैकेंसी में। ठीक है, तो इस टाइप की वैकेंसी के लिए आपको इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।